ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो हालात और परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेगा वही लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। क्रिकेट के खेल में भी यही बात इन दिनों लागू हो रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टीम इंडिया। भारतीय टीम को 14 जून से बेंगलुरु में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलना है। अफगानिस्तान की तरफ से इस टेस्ट मैच में इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर कहे जा रहे राशिद खान उतरेंगे। अपने स्पिनरों के होने से परंपरागत तौर पर घातक टीम माने जाने वाली टीम इंडिया में भी आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव शामिल हैं। इन तीनों में से दो स्पिनर्स को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा। ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि आर अश्विन और रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे। आर अश्विन के लिए मैच किसी तलवार की धार की तरह है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर अश्विन और रविंद्र जडेजा के विकल्प के तौर पर हाल के दिनों में कई अच्छे स्पिनर टीम इंडिया में शामिल किए गए हैं। अभी तक ज्यादातर नए स्पिनरों को टेस्ट की बजाय वनडे क्रिकेट में ही खेलने का मौका मिला, लेकिन जरा सा खराब प्रदर्शन अश्विन और जडेजा की टेस्ट फॉर्मेट से भी छुट्टी करा सकता है। आप चाहें या ना चाहें, लेकिन भारतीय मैदान पर मुकाबला होने के बाद भी एक बड़ा सत्य यही है, इस टेस्ट मैच में सभी की निगाहें सिर्फ राशिद खान पर होंगी। ऐसे में फिरकी के भारतीय फनकारों को भी अपनी छाप छोड़नी ही होगी। आर अश्विन का करीब 7 साल पुराना टेस्ट करियर अब निर्णायक मोड़ पर है। ऐसा नहीं है कि उन्हें विकेट नहीं मिल रहे, लेकिन जिस रफ्तार से उन्होंने कामयाबी बटोरी थी उस रफ्तार में कमी आई है। एक वक्त था जब वो बतौर स्पिनर प्लेइंग 11 की ऑटोमेटिक चॉइस होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वनडे टीम से अश्विन लगातार बाहर हैं। रंगीन कपड़ों में मैदान में उतरे करीब 1 साल का वक्त उन्हें हो चुका है। वनडे में विराट कोहली, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव जैसे स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं, तो वहीं अब तो वॉशिंगटन सुंदर, कृणाल पांड्या और मयंक मार्कंडे भी दावा ठोक रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अश्विन को साउथ अफ्रीका दौरे पर 2 मैच में प्लेइंग 11 में उतरने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने 7 विकेट लिए थे। उस सीरीज में स्पिन गेंदबाजों के मुकाबले भारत के तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब अश्विन की बात करें तो 57 टेस्ट मैचों में 311 विकेट बताते हैं कि आर अश्विन ने किस तेजी से टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी हासिल की है। हाल ही में उन्होंने आईपीएल के दौरान अपनी गेंदबाजी में कुछ बदलाव भी किए, उन्हें कुछ ओवर्स में लेग स्पिन भी करते हुए देखा गया। अश्विन मूल रूप से ऑफ स्पिन है, ऐसे में इस तरह के बदलाव साफ इशारा कर रहे हैं कि अश्विन कामयाबी के लिए किसी भी तरह का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। अब अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच में उन्हें इन्हीं प्रयोगों के सहारे कुछ कारनामा करके दिखाना होगा। रविंद्र जडेजा की बात करें तो उनके प्लेइंग 11 में खेलने के चांसेस भी 50-50 हैं। यानी जडेजा की जगह कुलदीप यादव को भी मौका मिल सकता है। फिर भी आपको बता दें कि जडेजा हाल के दिनों में संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। वनडे टीम से वो लगातार बाहर हैं। पिछला वनडे उन्होंने जुलाई 2017 में खेला था, यानी 1 साल पहले। टेस्ट मैच में भी जडेजा को मैदान में उतरे काफी वक्त हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में उन्हें मौका नहीं मिला। आईपीएल में भी इस बार जडेजा कोई कमाल नहीं दिखा पाए, लिहाजा अश्विन ज्यादा संकट जडेजा पर है। ऐसे में चर्चा ये भी है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ऐसे विकेट से परहेज कर रही है जो शुरू से ही घुमावदार हो। भारतीय टीम कई बार विदेशी स्पिन गेंदबाजों के आगे अपने ही पिचों पर गच्चा खा चुकी है। आईपीएल में राशिद खान ने जिस तरह से बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है उसकी यादें हर किसी के जहन में ताजा हैं। लिहाजा टीम मैनेजमेंट चाहता है कि स्पिन गेंदबाज जो भी कमाल करें उनकी उंगली या फिर कलाई कहो, पिच से उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट ना मिले। भारतीय टीम मैनेजमेंट की ये सोच भी आर अश्विन और जडेजा को बैकफुट पर ही रखेगा। ऐसे में इंग्लैंड दौरे से पहले ये टेस्ट मैच आर अश्विन और जडेजा के लिए करो या फिर मरो का है। अगर बेंगलुरु में नहीं चले तो इंग्लैंड के दौरे में विकेट निकाल पाना बेहद मुश्किल है। अलबत्ता इंग्लैंड में तो इन दोनों के लिए प्लेइंग 11 में भी जगह बना पाना काफी परेशानी या मुश्किल भरा होगा। और अगर मौका मिला भी और दमदार खेल नहीं दिखाया तो इंग्लैंड दौरा इन दोनों दिग्गजों के लिए आखिरी दौरा या फिर आखिरी टेस्ट मैच साबित हो सकता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।